बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट 2.12.3 को डील करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जिसमें हमने असाइनमेंट 12.2 को डील किया था, तो स्टार्ट करके अपनी वीडियो को बगैर टाइम का वेस्ट किए तो उसको स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करें, ज़्यादातर दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। बेसिकली अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें, आप इसकी स्टेटमेंट जो सब कुछ है वो हमें बता रही है, सर्किट सर्किट ए बी सी डी इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट यूजिंग केसीएल केवीएल, ठीक है। अब हमने करंट कैलकुलेट करना है यूजिंग केवीएल, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको नजर नहीं आ रही होगी तो मैं इसको डायग्राम को रीड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली 12.3 में सबसे पहले हमारे पास डायग्राम लिखी हुई थी, डायग्राम मतलब कि इतनी साफ नहीं थी, तो उसके नीचे हमने रिस्पेक्ट से नीचे को डायग्राम ड्रा कर दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों रिस्पेक्ट के डायग्राम से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर बात की है तो हमारे पास इस डायग्राम के अंदर एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, ठीक है। अब ये दो लूप्स हैं, एक ये पार्ट बन रहा है, ठीक है, जैसे मैं नीचे बनाया हो भी एक ये पार्ट बन रहा है, ठीक है। अब जैसे आपको नीचे नजर आ रहा होगा इस पूरे के अंदर करंट कितना है I1 और इस पूरे के अंदर करंट कितना है I2, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं कह दूंगा लूप 1 और उस वाले को कह दूंगा लूप 2, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। फिर उसके बाद जो हम करेंगे कैलकुलेशन से पहले दो तीन चीज़ बेसिक आपको समझा दूँ, ठीक है। तो मेरे पास लेट्स सपोज एक मैं छोटा सा सर्किट ड्रा कर लेता हूँ जिसकी वजह से मैं आपको समझाता हूँ कि केसीएल और केवीएल में क्या करते हैं। तो मैंने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक है, और मेरे पास एक ही चीज़ आ गई, ठीक है। अब मेरे पास ये आर है, ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब मैं इसमें केवीएल अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास केवीएल में खाली वोल्टेज आता है, ठीक है, करंट शरंट नहीं आता, कैसे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, यानी जब नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव आते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं तो वोल्टेज सोर्स क्या आती है नेगेटिव, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया, तो जब इसके अंदर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वी आ गया, फिर इसके अंदर करंट क्या होगा आई आ गया, ठीक है, माइनस आई आर लिखूंगा, ठीक है। अब आई आर बेसिकली मैं कह सकते एक वोल्टेज के अंदर केवीएल के अंदर वोल्टेज यूज होगा, तो ये आई आर फार्मूले के मुताबिक इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास फार्मूला था ना वोल्टेज का वी इक्वल टू आई आर, वो यूज किया कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है वहीं हम यूज करें, ठीक है। तो आई होप सो की चीज क्लियर होगी। अब मैं कहते हैं क्लॉक वाइज मूव करी होगी तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन अगर एंटी क्लॉक वाइज मूव करती तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता, ठीक है। ये चीज़ आपको समझानी थी, तो ये आई होप सो कि समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गया तो फर्दर क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए इसके अंदर दो लूप्स बन रही है, एक ये लूप और एक ये लूप, ठीक है। तो पहले मैं लूप वन के लिए कर लूंगा, लूप वन, ठीक है। अगर लूप वन की बात कीजिए, ठीक है, तो बेसिकली अब लूप वन ये वाली है, ठीक है। अगर लूप वन की बात की है तो पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब कि जब मैं केवीएल अप्लाई करूंगा तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इस पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर दूंगा। अब लूप वन में क्या आ रहा है, लूप वन के लिए हमारे पास आ रहा है ए बी और ई और एफ, ई और एफ। इस लूप के अंदर हम केवीएल अप्लाई करेंगे, बेशक आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, ठीक है। अब पहले मैं वोल्टेज सोर्स स्टार्ट करूँ, मेन में इस पॉइंट से स्टार्ट कर लूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट कर लूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट कर लूँ, सबके लिए आंसर सेम ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन था कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंट क्लॉक वाइज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले लिख लो दूंगे कि क्लॉक वाइज, ठीक है, हम केवीएल को अप्लाई करें क्लॉक वाइज, अगर नहीं मेंशन होता तो हमारी मर्जी है, अगर आप क्लॉक वाइज करें एंटी क्लॉक वाइज करें आंसर सेम आता है, ठीक है। जब इसके लिए करें तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करिए, यानी जो छोटा टर्मिनल होता है वो शो करता है नेगेटिव को और जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव को शो करता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हम लिख लेंगे कि इस वोल्टेज सोर्स एक ही है, इसको मैं V1 का नाम दे दूंगा, ठीक है, यानी इस वोल्टेज सोर्स को V1 का नाम देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी दे देता हूँ, ठीक है, अब क्लियर होगा। फिर फर्दर मूव करूँगा, ठीक है, फिर इसके बाद मूव करें तो हमारे पास ये रजिस्टर आता है, ठीक है। अब रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, उसको लिखूंगा कि इस पूरी लूप के अंदर करंट क्या था, पूरी लूप के अंदर करंट I1 था, I1, और इस रजिस्टर को मैंने किस चीज़ का नाम दिया है R1 का, तो I1 R1 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे बेसिक साइड पर लिखूँ तो मेरे पास मैंने कहा कि R1 कितना है 10 ओम का, R2 कितना है 20 ओम का, R3 कितना है 50 ओम का, R4 कितना है, सॉरी ये 15 ओम था, मैंने 15 ओम
आर फोर कितना है 15 ओम, और वोल्टेज सोर्स कितना है 3 वोल्ट का, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है। अब हम केवीएल अप्लाई करें, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करें, जब सोर्स की बात की जाए यानी वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करें तो ये आ जाएगा V1, ठीक है, प्लस V1 आएगा क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करें, जब पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करें तो फिर माइनस आता है, यानी अगर एंटी क्लॉक वाइज हो तो फिर नेगेटिव आता। फिर यहाँ से मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने बेसिकली फाइंड कर लिया, केवीएल अप्लाई कर दिया। अब इधर आप केवीएल अप्लाई करेंगे, मीन इस पॉइंट के अंदर केवीएल अप्लाई करने के बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने केवीएल अप्लाई कर दिया, अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक केवीएल अप्लाई करें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रहा है, माइनस I1 R1, ये माइनस आया है, बेशक क्लॉक वाइज हो या एंटी क्लॉक वाइज दोनों के लिए आता है, ठीक है। फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में केवीएल अप्लाई कर लिया, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक केवीएल अप्लाई करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट में केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है, ठीक है, यानी अगर मैं इसको रेज करूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले को मैं रेज नहीं कर सकता, तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये लूप वन में भी आ रही है, लूप टू में भी आ रही है, ठीक है। तो अब लूप वन में करंट I1 था, लूप टू में करंट कितना था I2, अब दोनों में कवर हो रही है तो मैं I1 माइनस I2 कर दूंगा, ठीक है, माइनस I1 माइनस I2। लूप वन की रिस्पेक्ट से करूँ तो I1 को दूसरे में से माइनस करूंगा, अगर लूप टू की रिस्पेक्ट से करूंगा तो लूप टू को पहले में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास वोल्टेज सोर्स क्या थी R4, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो रही होगी। फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने केवीएल अप्लाई कर दिया, अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखेंगे तो इस पॉइंट तक हमारे पास कोई सोर्स नहीं लगेगी, तो हमने बेसिकली लूप वन के लिए केवीएल अप्लाई कर दिया, ठीक है। बेसिकली लूप वन के लिए हमारे पास आ गया V1, I1 R1, I1 माइनस I2, ये आ गया, ठीक है। तो बेसिकली लूप वन की हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम लूप टू को सॉल्व कर लेंगे। अगर वैल्यू पुट करें तो V1 की कितनी वैल्यू थी 3 वोल्ट, ठीक है, माइनस I1 हमें नहीं पता, हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और R1 कितना था 10 ओम, ठीक है। उसके बाद I1 I2 हमें फाइंड करना है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द करंट, हमने करंट को कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो I1 और I2 को हमने कैलकुलेट करना है, और I4 कितना है जो दोनों में कॉमन था 15 ओम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फर्दर कैलकुलेशन करें तो ये आ रहा है 3 वोल्ट माइनस 10 I1 माइनस 15 I1 प्लस 15 I2, ठीक है। ये नहीं, हमारे पास क्या आ गया 3 वोल्ट माइनस 10, अब वोल्ट की वैल्यू पुट करिए तो इसका हम यूनिट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, 3 वोल्ट माइनस 10 I1 माइनस 15, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 माइनस 25 I1 प्लस 15 I2, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अभी हमने लूप वन को सॉल्व कर लिया है, अब उस साइड हम लूप टू को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे के लिए अगर लूप टू की बात की जाए, ठीक है, तो लूप टू में हमारे पास क्या क्या है कि लूप टू में हमारे पास ये हिस्सा आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें भी एंटी क्लॉक वाइज है, जिसमें वोल्टेज सोर्स कहीं नहीं है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं बी से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बी से लेके सी तक, यानी यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या हो जाएगा माइनस I2 R2, इस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा I2 R2, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा माइनस I2 R3, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे कुछ चीज़ नहीं है, तो फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फाइंड कर लेंगे तो पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस, जैसे दूसरे के लिए था I2 माइनस I1 R4, ये आ जाएगा। तो बेसिकली आई होप सो की चीज़ आपको क्लियर होगी कि लूप टू पे हमने क्या किया, कि लूप टू पे करंट I2 था, पहले इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फाइंड कर लिया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फाइंड कर लिया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ था नहीं, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फाइंड किया था, यानी जहाँ स्टार्ट किया था वहीं पे हमने एंड कर लिया, ठीक है। फिर हम फर्दर वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेसिकली I2 की हमें वैल्यू नहीं पता, तो ये ऐसे ही दिखा जाएगा, R2 की वैल्यू हमें पता है 20 है, फिर I2 है स्टेज, R3 की हमें वैल्यू पता है 50 है, ठीक है, फिर I2 I1 है स्टेज, R4 की वैल्यू 15 ही आ गई। फिर हम फर्दर कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 20 माइनस 20 I2 माइनस 50 I2 माइनस 15 I2 एंड प्लस 15 I1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो -20 -50 -70 -70 -50 -85 I2
प्लस 15 आई वन, ये आ गया। तो बेसिकली किसी एक की वैल्यू निकाल कर सिम पुट कर लेंगे, तो मैं 15 आई वन इज इक्वल टू 85 आई टू कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं आई वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, तो 85 डिवाइडेड बाई 15 आई टू, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं फर्दर कैलकुलेशन करूँ, ठीक है, बेसिकली कटिंग करके क्या आ जाएगा, आई वन, ठीक है, 5 3 15 5 1 5, ठीक है, आ जाएगा, और 5 7 15 17 डिवाइडेड बाई 3 आई टू, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया कि 17 डिवाइडेड बाई 3 आई टू, बेसिकली ये आ गया, ठीक है। आप फर्दर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास आई वन की वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है। अब इसको मैं इस वैल्यू के अंदर सस्पेंड कर दूंगा, पुट कर दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन के अंदर वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है, तो याद आएगा 3 -25 आई वन की वैल्यू हमारे क्या आई है, 17 / 3 आई टू प्लस 15 आई टू, ये आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसी फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 - 25 × 17 i2 + 45 i2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम i2 की वैल्यू को लेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास कितनी आ रही होगी देख लेते हैं। तो बेसिकली जब i2 की हम वैल्यू को लेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.024, ठीक है, हमारे पास आई टू की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.024, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.024 एम्पीयर। जब आई टू की वैल्यू आ गई है तो आप इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, यानी आई वन इज इक्वल टू 17 / 3 0.024 एम्पीयर। बेसिकली हमारे पास आई वन की वैल्यू आ जाएगी, तो आई वन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0.134 एम्पीयर, ठीक है, ये कितनी आ रही है, 0.134 एम्पीयर, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12.3। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने केवीएल अप्लाई करते हुए करंट कैलकुलेट करना था, बहुत ईजी था, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो केवीएल का जो टॉपिक है उसको भी समझा दिए जाएंगे और केसीएल के भी क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली ये थी आज की वीडियो, आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है, तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अल्लाह निगहबान।